अवध न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को शनिवार को कोरोना से संक्रमित पाया गया। दोनों को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट के माध्यम से दी। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा कि उनकी जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। अस्पताल अधिकारियों को सूचना दे रहा है। परिजनों और स्टाफ की भी जांच करा ली गई है। उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय और जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि साथ में अमिताभ बच्चन ने यह भी लिखा है कि पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए लोगों से अनुरोध है कि अपनी जांच करा लें। कोरोना महामारी की वजह से बॉलीवुड के लगभग सभी स्टार घर पर बैठ गए, लेकिन उनमें से कई लोगों को भी काम मिला और उन्होंने काम अपने घर पर ही किया। अमिताभ बच्चन लॉकडाउन से ही अपने घर से ही कई प्रोफेशनल और प्रोडक्शन वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट के जरिए अपने फैंस को बताया कि वह कोरोना संक्रमित हैं। उनके साथ ही अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हैं और वह दोनों मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आए। आपको बता दें कि सार्वजनिक घोषणा के लिए मार्च में शूट किया गया एक वीडियो जिसमें अमिताभ बच्चन थे, यह वीडियो कोविड-19 से बचाव के जागरूकता के लिए शूट की गई थी। इस वीडियो को अमिताभ बच्चन के घर पर ही शूट किया गया और इसे कई भाषाओं में शूट किया गया। इस खबर में इतना ही। लगातार खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।